नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। हजारीबाग और पटना में चल रही जांच की देगी जानकारी। पटना पुलिस भी नेट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी जांच रिपोर्ट। शुरुआती जांच में मिले सबूत और कार्रवाई की जानकारी देगी। नीट परीक्षा का रिजल्ट एनटीए आज ऑनलाइन करेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 बजे तक रिजल्ट जारी करने का दिया वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के छात्रों को पहचान गुप्त रखने के लिए कहा। याचिकाओं पर 22 जुलाई को आगे की सुनवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले में रांची से गिरफ्तार छात्रा सुरभि कुमारी को पटना हाईकोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। रांची रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है सुरभि। सुरभि कुमारी पर पेपर सॉल्वर गैंग का हिस्सा होने का आरोप है। 5 मई को हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में गई थी पेपर सॉल्व करने के लिए। पटना हाईकोर्ट ने नीट पेपर चोरी के आरोपी सुरेंद्र को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। सुरेंद्र को गुरुवार को हजारीबाग से किया गया था गिरफ्तार। जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर सेना का बड़ा एक्शन। आतंकवादियों के सफाई के लिए जम्मू रीजन में बढ़ाई गई फौज की संख्या। कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में बढ़ाई गई फौजियों की तादाद। वेस्टर्न कमांड से भी सेना को भेजा गया। गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुखों के साथ बैठक की। सुरक्षा चुनौतियों पर बातचीत हुई। गोवा से करीब 102 नॉटिकल मील पर एक मालवाहक कंटेनर जहाज में लगी भीषण आग। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से कोलंबो जा रहा था जहाज। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान ले जा रहे मालवाहक जहाज के अगले हिस्से में विस्फोट के बाद आग लग गई। कोस्ट गार्ड आग पर काबू पाने में लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रांची दौरा। दोपहर 1:15 बजे बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे शंखनाद। अमित शाह झारखंड बीजेपी कार्य समिति और कोर कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। झारखंड से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों को का भी अभिनंदन करेंगे। बीजेपी नेताओं के झारखंड दौरे पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, चुनाव है कौन आ जा रहा है मालूम नहीं। सीएम योगी आज सौमित्र वन से करेंगे पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत। अकबरपुर की जगह सौमित्र वन में लगाए जाएंगे 10,000 पौधे। यूपी में वन महोत्सव के तहत आज बनेगा पौधारोपण का रिकॉर्ड। एक दिन में 36,50,00,000 पौधा लगाने का लक्ष्य। एनसीआर की तर्ज पर यूपी में स्टेट कैपिटल रीजन के लिए अधिसूचना जारी हुई। लखनऊ के आसपास के 6 जिलों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। यूपी की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर चिश्ती ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए सौंप रही हूं इस्तीफा। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आज इंडिया गठबंधन का राज्यव्यापी प्रदर्शन। तेजस्वी यादव प्रतिरोध मार्च में हिस्सा नहीं लेंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। अपराध रोकने के सख्ती से कार्रवाई के आदेश। राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया। 22 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनेंगी निर्मला सीतारमण। दिल्ली में 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। भोपाल में नर्सिंग घोटाला में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए कांग्रेस का पैदल मार्च। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिघार और हेमंत कटारे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थाने। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में बने मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार और हेमंत कटारे के खिलाफ नारे वाली तख्तियां लिए थे कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने थाने में सुंदरकांड के पाठ को बताया संविधान और कानून का उल्लंघन। पूछा, किसी के जन्मदिन पर कैसे मिली सुंदरकांड की इजाजत। पुरी में ओडिशा बीजेपी कार्य समिति की बैठक। जेपी नड्डा बोले 18 राज्यों में एनडीए की और 13 राज्यों में अकेले बीजेपी की सरकार है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 13 राज्यों में कांग्रेस जीरो है, ये परजीवी पार्टी। कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन करती है उस पार्टी को कमजोर कर देती है। जेपी नड्डा ने साधा निशाना। मुंबई में कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, शिंदे सरकार भ्रष्ट है, इसको सत्ता से हटाएंगे। महाविकास अघाड़ी के बैनर तले हम एकजुट कर चुनाव लड़ेंगे, केसी वेणुगोपाल का बयान। हरियाणा में आज से चुनाव प्रचार शुरू करेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गारंटी जारी करेंगे सुनीता केजरीवाल। हरियाणा के हिसार में दीपेंद्र हुड्डा का रोड शो। बोले, बीजेपी ने 10 सालों में लोगों को धोखा दिया। अखिलेश यादव के मानसून ऑफर पर केशव मौर्य का पलटवार। 2027 में 47 पर फिर समटेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को डूबता हुआ जहाज बताया। कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होंगे। एलजेपी आर चीफ चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, मैं उनकी राजनीति का समर्थन नहीं करता। चिराग पासवान का बयान, 2014 में राहुल गांधी ने मेरे पिता से मिलने से इनकार कर दिया था, इस वजह से यूपीए से अलग हुए।
आरएसएस और यूपी बीजेपी कोर कमेटी की आज होने वाली बैठक स्थगित, अब अगस्त में होगी मीटिंग। रांची में सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर चली लाठियां, स्थायी नौकरी और वेतन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का हब, सुरक्षा में तैनाती के लिए बीती रात अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो। बिजनौर में कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार जा रहे तीन कांवड़ियों के साथ मारपीट, पुलिस ने दूसरे समुदाय के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा वाली रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य। सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना जरूरी, कांवड़ यात्रियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर चेतावनी, प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश का जेडीयू ने किया विरोध, केसी त्यागी बोले ये नियम पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प के खिलाफ है। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर बोले चिराग पासवान, जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले फैसलों को सपोर्ट नहीं करता। यूपी सरकार के आदेश की मायावती ने निंदा की, कहा धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बहिष्कार गलत है। जाति धर्म के आधार पर बांटना संविधान के खिलाफ है, इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए, प्रियंका गांधी की मांग। सपा नेता डिंपल यादव बोली बीजेपी के लोग अभी भी सीखे नहीं है, 2027 में जनता सिखाने के लिए तैयार है। जमीयत उलेमाए हिंद ने यूपी सरकार के फैसले की निंदा की, नेम प्लेट वाले आदेश को वापस लेने की मांग। हरिद्वार पुलिस ने भी जारी किया निर्देश, कांवड़ यात्रा रूट के होटल ढाबा मालिकों को नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। हरिद्वार में कांवड़ मार्ग के 13 होटल के कटे चालान, मालिक का नाम ना लिखने पर एक्शन। जयपुर में मीट की दुकान के बाहर झटका या हलाल लिखना जरूरी, नगर निगम ग्रेटर का फैसला। गोंडा में प्रभावित डाउन लाइन मार्ग पर बहाली का काम पूरा होने के बाद रेल सेवा फिर से शुरू, 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 3 लोगों की हुई थी मौत। असम सरकार ने बाल विवाह पर लिया एक्शन, 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर लगेगा पॉक्सो एक्ट। असम के सीएम हेमंत का बड़ा बयान, 2041 तक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा असम, इसे कोई नहीं रोक सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य भगौड़ा घोषित, दीपक कुमार स्वर्णकार केस में एमपीए मिले कोर्ट का फैसला। आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, उम्मीदवारी रद्द करने के लिए यूपीएससी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। पूजा खेडकर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अटेम्प्ट से ज्यादा बार एग्जाम दिया, यूपीएससी की जांच में आया सामने। पूजा खेडकर ने एग्जाम देने के लिए अपना और अपने माता पिता का नाम बदला, सिग्नेचर, ईमेल, फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर और घर का पता भी बदला गया था। केस दर्ज होने पर बोली पूजा खेडकर, न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो पूछा जाएगा उसका जवाब दूंगी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अजमेर दरगाह के मौलवी गौहर चिश्ती, सरतन से जुदा के नारे मैंने नहीं लगाए। गौहर चिश्ती बोले मेरे नारे को एडिट किया गया, देश में जो हालात बने उसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। जयपुर में स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत का वीडियो आया सामने, स्विमिंग के दौरान अचानक ट्यूब पलटने से हुआ हादसा। पुलिस ने स्विमिंग पूल के फरार संचालक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 49 लाख की दवाएं जब्त, कजाकिस्तान के लिए जा रहा था। गुजरात के पोरबंदर में हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है, शहर के कई इलाके पानी में डूबे। भारी बारिश के बाद घरों और दुकानों में घुसा पानी, सड़क पर घुटनों तक भरा पानी। जलभराव की वजह से सड़क पर आधी डूबी नजर आई गाड़ियां, यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। पोरबंदर में हुई भारी बारिश और जलभराव की वजह से रेलवे ट्रैक को नुकसान, मरम्मत का किया गया काम। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश कई इलाकों में पानी भर गया। गुजरात के वलसाड में पटरी से उतरी मालगाड़ी, रेलवे सेवाएं बाधित। वडोदरा के एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से हुआ हादसा, एक छात्र जख्मी, मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भूस्खलन के बाद लोगों की बड़ी मुश्किलें, शिरूर गांव के लोगों ने केयर सेंटर में ली शरण। सीतापुर के कई इलाकों में हुई बारिश से मौसम सुहाना हुआ, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई मंदिरों में हुए जलमग्न, बदला जाएगा आरती का स्थान। महाराष्ट्र के सतारा में लंदन से लाए गए शिवाजी महाराज के वाघनख का हुआ अनावरण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा ये शिवाजी महाराज का गौरव है, उनके शौर्य की गाथा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर पहुंचे मदुरै, निर्माणाधीन एम्स का दौरा किया, अधिकारियों से जानकारी। यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय रिश्तों पर हुई बातचीत। परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने परिवार नियोजन की पहल पर बैठक में कहा पुरुषों को योगदान बढ़ाना होगा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 9 अरब 70 करोड़ डॉलर का उछाल दर्ज, 666 अरब 85 करोड़ डॉलर पर पहुंचा मुद्रा भंडार। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन में अब तक 100 लोगों की जान गई, शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर काबू पाने के लिए सेना को सड़क पर उतारा, देश में किसी तरह की रैली जुलूस पर लगाया गया प्रतिबंध।
बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद भारतीय नागरिकों ने भारत लौटना शुरू किया। शुक्रवार को मेघालय के रास्ते करीब 360 भारतीय और नेपाली वापस आए। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में एक शांति मार्च पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फलस्तीनी क्षेत्र में इसराइल की मौजूदगी को ठहराया गैर कानूनी, कहा इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसराइल के टेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास हुए ड्रोन अटैक के हुती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी, हमले में एक शख्स की मौत जबकि 10 लोग घायल। संयुक्त राष्ट्र ने टेल अवीव में हुती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक की निंदा की, कहा क्षेत्र में हिंसा भड़काने की ऐसी कोशिशों को रोका जाना चाहिए। गाजा के दो अलग हिस्सों पर इसराइल ने हवाई हमला किया, कम से कम 14 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा में जारी इसराइली हमले में अब तक करीब 39,000 फिलिस्तीनियों की जान गई है, करीब 90,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। रूस ने यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन को तबाह करने का किया दावा, क्रीमिया प्रायद्वीप में ड्रोन को मार गिराने का वीडियो किया जारी। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप में किया विजयी आगाज, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर पहली जीत हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए भारत को 109 रनों का दिया लक्ष्य, टीम इंडिया ने 3 विकेट पर 109 रन बनाकर मैच जीता, 15वें ओवर में हासिल किया टारगेट। दीप्ति शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, दीप्ति ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। विराट कोहली श्रीलंका दौरे पर बना सकते हैं खास रिकॉर्ड, 152 रन बनाते हुए वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने नाम। श्रीलंका के दौरे के लिए वनडे टीम में शामिल हुए केएल राहुल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खुद को साबित करने का आखिरी मौका। रविंद्र जडेजा को नहीं मिला श्रीलंका के खिलाफ वनडे टीम में मौका, टी20 विश्व कप में रहे खराब प्रदर्शन को माना जा रहा है वजह। ओलंपिक में फुटबॉल खेलती नजर आएंगी इसराइल की टीम, फीफा ने टीम पर प्रतिबंध लगाने के फलस्तीन के प्रस्ताव को टाला, जापान माली और पैराग्वे के ग्रुप में है इसराइल।